वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल ABC भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो में SPD रिवाइज योर सेल्फ का सेट नंबर 185 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। क्लोरोफिल में पाया जाने वाला तत्व है, राइट आंसर इसका हो जाएगा मैग्नीशियम, ऑप्शन बी। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस किरण का होता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा गामा किरण, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो ये दूध उत्पादन से है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व है वसा, ऑप्शन ए। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु एवं विषाणु का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा माइक्रोबायोलॉजी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी है, सही उत्तर इसका हो जाएगा 0.03%, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था 2010, ऑप्शन बी। लैक्टोबैसिलस सूक्ष्मजीवी किसमें होता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा दूध में, ऑप्शन सी। प्लेग किससे फैलने वाली बीमारी है, तो ये जीवाणु से है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मोलस्का, शंख के जीवों व कवचों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा माइकोलॉजी, ऑप्शन मेलेकोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। हम दलदली सड़क पर किसकी कमी के कारण फिसलते हैं, राइट आंसर इसका हो जाएगा घर्षण, ऑप्शन ए। टिटनेस किसके कारण होता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा बैक्टीरिया के कारण, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, शहद पुष्प किसे कहा जाता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा यशत पुष्प, किसे कहा जाता है, जिंक ऑक्साइड को यशत पुष्प कहा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। साबुन डिटर्जेंट का घोल होता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा अम्लीय होता है, ऑप्शन बी। ओजोन परत किस किरण को अवशोषित करता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा पराबैंगनी, ऑप्शन सी। चुंबक रक्षक किसके टुकड़े के होते हैं, सही उत्तर इसका हो जाएगा नर्म लोहे का, ऑप्शन ए। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत 2 माह से कम आयु के बच्चों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा नियोनेटोलॉजी, ऑप्शन नियोनेटोलॉजी ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। जिस स्थान पर भूकंप आता है ठीक उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अधिकेंद्र कहते हैं, ऑप्शन बी। बोरेक्स किसका अयस्क है, राइट आंसर इसका हो जाएगा सोडियम का, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयुक्त होता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तल, ऑप्शन बी। फलों का मधुर मिठास स्वाद किसके कारण होता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा फ्रक्टोज, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। विज्ञान की वह शाखा जिसके कारण जीवन से जुड़ी क्रियाओं एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा फिजियोलॉजी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, DNA किसके आधार के कारण RNA में बदलता है, राइट आंसर इसका नाइट्रोजन के कारण, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, BCG का टीका जन्म के कितने दिन के भीतर लगाया जाता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा 15 दिन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रोसेसर चिप की गति मापी जाती है, ये मापी जाती है MHZ में, ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वायु ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा लगभग कितनी है, सही उत्तर इसका हो जाएगा 21%, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के विभिन्न समूहों के विकासीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा फाइलोजेनी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मटर में विपरीत लक्षणों वाले कितने युग्मों का मेंडल ने चयन किया था, राइट आंसर इसका हो जाएगा 7, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, सही उत्तर इसका हो जाएगा लैंडस्टीनर को, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है,
अनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी किसे कहा जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा डीएनए, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग रहने वाले थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा अमेरिका के, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ट्यूमर जैसे कैंसर व कैंसर के अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, लैमार्क किसका अयस्क, केलामाइन किसका अयस्क है? केलामाइन किसका अयस्क है? तो ये हो जाएगा जस्ता का, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल कितने दिनों का होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 70 दिनों का, ऑप्शन बी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है? पैलियोटोलॉजी, ऑप्शन सी। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किस में होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा शुष्क बर्फ में, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर।